मतलब ये मेडिसिन अगर अल्कोहल के साथ कंज्यूम किया तो उसका असर और दुगना हो जाता है। मम्मा इसे कंज्यूम करने के बाद पीने वाले को होश तक नहीं रहता, और जब उसे होश आता तो उसे याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है। मैं कसम खाता हूं कि मैं निया से शादी करूंगा। I'm so sorry दिशा, मुझे तो याद तक नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। कहाँ जा रही हो? निया के पास। ये रैपर मैं उसके मुंह पे मारूंगी और फिर उसे मिस्टर अक्षय सिंह के सामने खड़ा कर दूंगी। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी मोहिनी से कोई कम नहीं है। ये सब हम भी कर सकते थे, हमने किया क्यों नहीं किया? क्यों मम्मी, अब कब तक निया को बचाती रहेंगी? आपको कब तक लगेगा कि निया सुधर सकती है? मम्मा वो सुधरने वालों में से नहीं है। बात वो नहीं है बेटा, बात ये है कि ये रैपर दिखाकर हम कैसे साबित करेंगे कि निया ने ये दवा उसको दी है, अर्जुन को। हमें बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा बेटा, और यही वजह है कि ये रैपर उठाते वक्त ना हमने मोहिनी को शक भी नहीं होने दिया कि हमने ये रैपर उठा लिया। पता नहीं चलने दिया था मतलब? क्या मोहिनी आंटी भी वहाँ थी? हाँ बेटा, दरवाजे के बाहर थी ना, हम पे नजर रख रही थी। और बेटा तुम जानती हो ना कि मोहिनी कितनी शातिर है, अगर हमने बिना किसी सबूत के मोहिनी या निया पर उंगली उठाई ना तो हम पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हमें ऐसा कुछ करना है ताकि मोहिनी खुद ही कबूल कर ले कि उसने अर्जुन के साथ गलत किया है, तभी कुछ होगा। और तब तक हमें मोहिनी को एहसास भी नहीं दिलाना है कि हम कुछ जानते हैं। उसे बस यही लगता रहे कि हम इस शादी से खुश नहीं हैं और हम चाह कर भी ये शादी रुकवा नहीं सकते। आपको क्या करना है, निया के कमर में ऐसे हाथ डालना है और उसको ऐसे झुकाना है। अच्छा अर्जुन, आपको ना उसके ऊपर झुकना है और उसके पास जाना है। कम ऑन। सॉरी मुझसे नहीं हो रहा। आप एक काम करिए, निया और मेरा नाम लिस्ट से काट दीजिए और प्रोफेशनल डांसर्स मंगा के उनके साथ कोरियोग्राफ कर लीजिए। अर्जुन व्हाट आर यू सेइंग? हमारे संगीत पे कोई और क्यों डांस करेगा? मैं इससे बात करती हूँ। अर्जुन प्लीज एक सिंपल सा स्टेप ही तो है। क्या हुआ दिशा, कोई नया प्लान बना के आई हो? हाँ हम प्लान बना के आए, कल संगीत का फंक्शन है ना, हम तीनों सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे, तो इनके साथ ही एक्ट डिस्कस करने आए थे। तुम तीनों डांस करोगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है, थैंक यू। तुम चैलेंज कर रही हो? नहीं सच बता रही हूँ। सच बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाती। तुम्हारा सच भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और तब डांस भी जबरदस्त होगा, सेलिब्रेशन भी। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।